हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीतम सिंह और मैं हमेशा की तरह एक फिर से आया हूँ। और मैंने हमेशा की तरह फिल्म इंडस्ट्री पे काम किया है, तो एक आज महान शख्स से मिलाएंगे हम आपको जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपना काफ़ी योगदान दिया हुआ है और उन्होंने बड़े बड़े स्टार के साथ भी काम किया हुआ है। उनका मानना ये है कि वो अगर कोई भी इंसान मेहनत करे तो डेफिनेटली उसे सक्सेस मिलता है। ये है श्री शरद देवराम सैलार जी, जो इंडियन फिल्म मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आज इनके एसोसिएशन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों की ये मदद भी करते हैं। तो उनके बारे में और उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने कैसे अपनी करियर स्टार्ट की, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, कितना स्ट्रगल किया है, कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे श्री शरद जी से। नमस्कार शरद जी। नमस्ते जी, प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले चैनल को भी नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे सर कि आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो जब आपने अपनी शुरुआत की तो किस तरीके से की, कितना आपको मुश्किल? सर मुश्किल ऐसा कुछ नहीं, हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में भी अगर आपको काम करने की ये होना चाहिए, हाउस होना चाहिए कि भैया मेरे को काम करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ होएगा, तो ऊपर वाला हर किसी को टाइम देता है, हर किसी का टाइम आता है, मगर आप घर पे बैठेंगे मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मेरी शुरुआत इस इंडस्ट्री में हुई है, बहुत ही छोटे डिपार्टमेंट से हुई है, बोले तो मैं अभी क्या बताऊँ कि मैं एक स्पॉट बॉय था। स्पॉट बॉय से फिर मैं कहाँ से गए, कलाकार थे राजेश खन्ना साहब, उनकी मेरे पर बहुत बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने अपने साथ में मुझे थोड़ा रखा, कंपनी में रखा, उनके थिएटर में काम दिया, वहाँ से योगदान मिला मेरे को। वहाँ से फिर भी महेश भट्ट साहब है, उनके पिताजी, उनके साथ में मैं गुजराती फिल्मों में वगैरह काम करता रहा। फिर ऐसे ऐसे मैं बढ़ता रहा। फिर मैं कुछ सालों के बाद फिल्म प्रोड्यूस की एक, फिर अभी मेरी सातवीं फिल्म जो अभी लास्ट फिल्म मेरी गई भिखारी मराठी, जो गणेश आचार्य जी ने डायरेक्शन की, ऐसे मेरा ये प्रवास है। और उसके बाद मैं वर्करों के साथ में मैं हेल्पफुल हमेशा रहा हूँ। 37 ईयर्स हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में और हर वर्कर मेरे को चाहता है, मानता है, और मैंने मेरे वर्करों के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है ये मेरे वर्कर ही आपको बताएंगे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। बिगर हमारी इंडस्ट्री बहुत मोहब्बती और बहुत प्यारी इंसानी है और हमारे यहाँ पे कोई कास्ट नहीं गिनाई जाती कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या ये, हम लोग सारे भाई भाई है। एक ही इंडस्ट्री ऐसी हिंदुस्तान में कि जहाँ पे कोई जात धर्म देखा नहीं जाता, इसलिए हम लोग सुखी परिवार इंडस्ट्रीज़ का नाम है हमारे। और भी लोग अभी इसको जुड़ना चाहते हैं, बिगर जो हमारे पुराने लोग हैं वो बहुत हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और इसी तरह आगे भी रहेंगे। और इसके लिए हमको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलता नहीं वर्करों के लिए, इसके लिए अभी हम लड़ रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द गवर्नमेंट भी हमको कुछ फैसिलिटी देने वाली है। ऐसे अभी हम मिल के भी आए हैं दिल्ली में, पार्लियामेंट में बातें भी की, डिस्कस चल रहा है और हमारा ये बड़ा योगदान रहेगा। और जितनी हमारी बड़ी फेडरेशन है, आज 24 क्राफ्ट हो गए हमारे, सारे हमें रिस्पेक्ट करते हैं, सारी हम लोग हमारे से ये करके हमसे कुछ संग डिस्कस करके कुछ भी फैसला करते हैं और हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, यही हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्मों का सर करियर देखा जाए तो दादा साहेब फाल्के के ज़माने से और आज के ज़माने में डिजिटल है, तो कितना प्रभाव पड़ा और कितना आगे बढ़ा ये फिल्म करियर लोगों के लिए, जो कि रोजी रोटी भी देती है और कई लोगों की ज़िंदगी और कई लोगों का घर भी चलता है उससे। सर ये तो मैं बोलूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी ही है, मतलब सिनेमा सृष्टि ऐसी है कि जहाँ पे हर इंसान को रिस्पेक्ट, यहाँ पे हमारे पास चाय पिलाने वाला आदमी है उसको भी अगर बड़े से बड़े स्टार होगा तो उसको दादा के नाम से बात करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। आपको अदर इंडस्ट्री में ये मिलेगा नहीं रिस्पेक्ट, समझे ना, ये बहुत बड़ी हमारा मोहब्बती घर है ये। और उसके बाद में मैं क्या था, मैं आज कहाँ से कहाँ हूँ, तो मेरे से और भी लोग ऐसे बहुत सारे मेहनत करके आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं उस और आगे बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्री और आगे बढ़ते जा रही है। लोग हमको वर्कर कम बढ़ रहे हैं क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, अभी अलग अलग नई नई कुछ वेराइटीज़ आ रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं किधर किसी को काम नहीं, बहुत काम है इंडस्ट्री में और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज मेरे मेंबर्स कम से कम 6,000 मेंबर है मेरे, समझे, हमारे तो तमिल में भी अलग भाई लोग हैं, कुछ हैदराबाद में है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में, तो पूरा ऑल इंडिया का जो कल्चर है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं सर, जब आपने इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी तो उस टाइम भी कितनी दिक्कत सहनी पड़ी थी और आप एक सीनियर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट से जुड़े रहे थे फिल्म इंडस्ट्री से, तो
उस टाइम पे कैसे, क्या आपको लगा कि मुझे ये एसोसिएशन स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे ज्वाइन करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, कितना लाभदायक है आज के जनरेशन में? सर, मैं तो उन मेंबरों की याद करूंगा जिन्होंने इस संस्था को स्थापन किया। उनका नाम है मिस्टर जगत कुमार जी, वो तो गुजर गए। उस टाइम पे हमारी संस्था के पास बैठने के लिए क्या, खड़े रहने के भी गली में जगह नहीं थी। उस ज़माने में हमको फर्स्ट हमारे एसोसिएशन को अगर किसी ने मदद की होगी तो लता मंगेशकर जी है, उन्होंने अपने घर के नीचे, दादर के नीचे हमारे जो जगत दादा थे उनको एक चेयर दिया, उधर बैठने के लिए एक टेबल दिया। वहाँ से वो लोग 7-8 मेंबर स्टार्ट हुए, वहाँ से हमारी संस्था चालू हो गई। बाद में हमारी संस्था चली गई अपना फेमस स्टूडियो में, फेमस स्टूडियो से हमारी संस्था गई दादर में, और दादर से जब से मैं आया और मैंने अंधेरी में शिफ्ट कर दिया। तो ये मतलब हमारा जैसे इंडस्ट्री का बढ़ावा होता जा रहा है, जैसे मेरे एसोसिएशन का भी बढ़ावा होते जा रहा है। पहले कुछ लोग हमारे एसोसिएशन में जब रिटायरमेंट होते थे तो 50,000 देते थे, जब से मैं आया हूँ 2 लाख देना स्टार्ट किया। तो ये बढ़ते जाएगा और आगे बढ़ते ही रहेगा, मैं हूँ या नहीं हूँ, मगर ये संस्था हमारी बढ़ती ही जाएगी, ऐसा मैंने सब प्लानिंग करके रखा हुआ है। सर, एक पॉलिटिकल हम जानना चाहेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने कहा सरकार की तरफ से आपको कोई योजनाएं, कोई लाभदायक चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो 2019 का चुनाव आने वाला है, तो क्या उम्मीद रखते हो कि हमारा जो अगली सरकार या तो सेम आए तो क्या योजनाएं लेके आए, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री कामगारों के लिए, कामगार जो हैं उनके लिए कितना लाभदायक हो सकता है? सर, कैसे कुछ हमारे मेंबरों की, हमारे भी गलती है बहुत सारी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1981 में हमारे लिए कुछ कायदा कानून बनाया था, उस कायदा कानून को हमारे मेंबरों ने फॉलो नहीं किया। जब से मैं आया हूँ तब से मैं हर चीज़ को फॉलो करके ये मेरी 22 के 22 क्राफ्ट को साथ में लेके उनको आगे बढ़ा के इस मकाम पर पहुँचा हूँ। तो कैसे पॉलिटिकल पार्टी हमारा कुछ, एक तो हमारी नॉन पॉलिटिकल पार्टी फेडरेशन है, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े नहीं है, मगर अभी लगता है जो शासन के जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर वगैरह है, उन्होंने हमारी बातें सब सुनी है, तो शायद हमारे से ज़्यादा वो लोग को बुरा लगा है। तो उस मुकाम पे भी पहुंचे कि वो लोग ही कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए, तो उसका हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग डे टू डे उनको मिल रहे, जा रहे आ रहे। तो ऊपर वाले की दुआ से मेरे ख्याल से 19 तक तो 100% हमारे सारे मेंबर सेफ हो जाएंगे, हमारी सारी योजना है वो हमारे मतलब मुकाबिल हो जाएंगी, जितना हमने मेहनत किया सब हमको मिलेगा, मेरे हर क्राफ्ट के मेंबर्स को फायदा होगा उसका। कई लोग एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं और कई लोग सवाल भी आते हैं हमेशा कि हम एसोसिएशन से कैसे जुड़े, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी फिल्मी दुनिया है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कई लोगों को नहीं पता है कि एसोसिएशन में कैसे जाए। तो उन्हीं सवालों को लेकर आज शरद जी से हम पूछेंगे, स्पेशली क्योंकि आप लोगों के सवाल भी वही रहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हम जाने के लिए कैसे एसोसिएशन से जुड़े, चाहे वो राइटर हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे स्टूडियो, चाहे किसी फील्ड के लिए। सर, काफ़ी दर्शक हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो राइटर हुए, मेकअप आर्टिस्ट हुए, बस इतना जानना चाहते हैं वो अगर एसोसिएशन से जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ सकते हैं? नहीं, कैसे हमारे यहाँ पे अभी हमने पढ़े लिखे चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे कुछ पुराने हमारे मेंबर्स हैं उनके पास कुछ सीखता है, वो सीखने के बाद अच्छा हो जाता है, तो वो मेंबर ही हमको रिकमेंड करता है कि दादा इसको मेंबर बनाना है, तो हम लोग उसको मेंबर बना देते हैं। इस तरीके से उसका फिर जीवन का प्रवास चालू हो जाता है, फिर आगे आगे बढ़ जाता है, वो बेचारा डेवलप हो जाता है। कुछ हमारे मेंबर्स है जो दिन का 1,00,000 रुपये पढ़े लेते हैं, आज लेते हैं और उनको प्यार से प्रोड्यूसर देता है कि उस मुकाम पर वो पहुँचे हैं। बहुत सारे मेंबर है, एक ही नहीं है, ऐसे कुछ महिलाएं भी अभी हमारे यहाँ पे नई नई जो मेंबर बनी है वो भी 75,000। तो हमको बहुत घमंड है इस बात का कि मेरा मेंबर दिन का 1,00,000 रुपये पढ़े लेता है, 75,000 रुपये लेता है, तो देते भी हैं लोग। और हमारे एसोसिएशन मतलब अभी रिस्पेक्टेबल, पहले थोड़ा दिन कुछ हमारे एसोसिएशन बंद थी तो थोड़ा रिस्पेक्ट हमारे मेंबरों का कम हो गया था, मगर अभी वापस प्रोड्यूसर वगैरह से रिस्पेक्टेबल बातें करने गए, सारे आर्टिस्ट भी हमसे रिस्पेक्टेबल बातें करते और अच्छी तरीके से हमारा चल रहा है सब। जब आपने ड्रेस के लिए काम किया था सर, तो किन बड़े स्टार के साथ उस टाइम पे आपने काम किया था और कैसा अनुभव रहा था आपको उस टाइम? सर, मैंने जब मेरी कैरियर स्टार्ट की ना, तो मैंने किसी स्टार के साथ काम नहीं किया, मैंने गुजराती फिल्म की थी जी, सचिन सारिका की पहली फिल्म थी, उसका फिल्म का नाम था गुजराती में खंबा मारा वीरा और हिंदी में रक्षाबंधन, उनकी पहली फिल्म थी हिंदी। बाद में फिर मैंने बच्चन साहब, काका जी ने तो मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया, काका जी वैसे ऐसे कोई बड़े स्टार नहीं कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, और आज वो लोग भी रजनीकांत जी के साथ भी मैंने काम किया, आज भी मेरे को नाम से जानते हैं, समझा ना। तो मैंने ऐसे साउथ यहाँ के बड़े सारे बड़े स्टार के साथ काम कर चुका हूँ मैं, और मतलब प्यार मोहब्बत से, दोस्ती यारी से, मगर किसी ने मेरे को गलत तरीके से आज तक ट्रीट नहीं किया। मैं ड्रेसमैन था मगर मेरे को
कभी गलत ये करके किसी ने बताया, बहुत रिस्पेक्टेबल बातें करते थे और रिस्पेक्ट हम भी देते थे, वो भी देते थे, ऐसे चलता था। थोड़ा सा अभी नया दौर चल रहा है, जो यंगस्टर आए आर्टिस्ट, थोड़ा सा सारे ऐसे नहीं है, उनको थोड़ी सी बात करने की तमीज़ थोड़ी सी ये हो गई, मगर वो भी अभी सुधर जाएंगे। पहले की रूटीन अगर देखी जाए आपकी और आपकी रूटीन देखी जाए तो कितना फर्क पड़ा है पहले और अब के अब में? सर फर्क तो बहुत बड़ा है कि हम लोग बहुत कम थे। हम लोग जब भी मैं मेंबर बना था तो मेरे ख्याल से कुछ 370 या 380 मेंबर थे टोटल हम लोग। तो बहुत प्यार मोहब्बत से हम लोग मिलते थे, झगड़ा करते थे, होता मगर कोई ये नहीं था। अभी तो 6000 मेंबर बने हैं। तो उसके बाद में अभी कैसा थोड़ा सा यंगस्टर है, वो थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, कुछ मेंबर डिफॉल्टर है, ये उससे रहता है। तो थोड़ा हमको सब सबको साथ में लेके चलना है, क्लैशेज वगैरह हैंडल करने तकलीफ हो जाती है, मगर ऐसा कुछ नहीं। मैं वो प्यार से ऊपर वाले की दुआ से मेरे को वो माइंड है तो मैं सबको लेके चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। शरद सर एक हम जानना चाहते हैं, अब तक के करियर में कोई ऐसा मेमोरेबल आपके माइंड में है जो आपको हमेशा मतलब याद करके हंसा दे हो अपनी ज़िंदगी में? मेरे ज़िंदगी में काम करते वक्त हंसाने वाला एक ही आर्टिस्ट है, मतलब वो उसको मैं नहीं भूल सकता, वो मेरे को नहीं भूलता, जिसका नाम है संजय दत्त जी। तो क्या ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, कुछ हम बताना चाहेंगे दर्शकों? नहीं नहीं सर, वो हमारा इंटरनल दोनों का ही है, दोनों एक दूसरे की मजाक आज भी करते, जहाँ भी मिलते प्यार से मिलते और जो भी बातें हम लोग दोनों एक दूसरे को देख के हंसते। जिस तरह आप लोगों की मदद कर रहे हैं, एसोसिएशन से जोड़ रहे हैं लोगों को, उसमें कितना सफल हुए अब तक और कितने हर दिन आपके जो रूटीन है वो किस तरीके के केसेस आते हैं अब तक? सर कैसे कैसे, कुछ प्रोड्यूसर है पैसे देते नहीं, कुछ मेंबर है नॉन मेंबर के साथ काम करते, कुछ मेंबर है मेंबरों का ही पैसा काट डालते, ऐसे चलते रहता। आपने जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, अब की दुनिया में मतलब बहुत चेंजेस लगता है कि आज आपको क्या लगता है, आपको पहले की दुनिया में जैसे पहले जब होता था इंडस्ट्री में काम वो हार्ड लगता था कि आज के जनरेशन में बहुत इजी लगने लगा है? इजी है आज के जनरेशन में। जब मैं ड्रेसमैन था उस टाइम पे मैथोलॉजिकल पिक्चर करता था मैं गुजरात में, और हम लोग मैं दो या तीन आदमी रहते थे पूरी पिक्चर के लिए, मगर हज़ार का भी ग्राउंड तो प्यार से सब समझा गया। अभी तो डिज़ाइनर बनी है लड़कियाँ, उनको कुछ समझता ही नहीं डिज़ाइनिंग क्या होता है, समझे ना। और हम लोग तो उस ज़माने में ड्रेस में तो हमको टोटल नॉलेज था, हमारे पे पूरा भरोसा था। जैसे यशराज फिल्म भी करता था मैं, देव साहब की कंपनी भी करता था मैं, बड़ी बड़ी कंपनी सब करता था मैं। तो उस टाइम पे कैसे मीटिंग होती थी, जैसे महेश भट्ट साहब भी फिल्म बनने के पहले पूरे टेक्नीशियन के साथ मीटिंग होती थी, फिर बोलते थे शरद ये ड्रेस है ये ऐसा है, तो हमने जो बोला उन्होंने जो कहा वो डन होता था। अब अभी तो मतलब पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ठीक है मज़ा आती नहीं, मगर वहाँ पे हमारे टाइम पे इतनी रिस्पेक्ट इज्जत थी जो भट्ट साहब है यज्जी है, मतलब प्यार मोहब्बत से लोगों से मिलते थे, उठेंगे क्या है क्या नहीं ऐसा। अभी तो पता नहीं नहीं दुनिया क्या है, तमीज ही नहीं रही है। मतलब आप कहना चाहते हैं आज की जनरेशन में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर काम आ रहा है तो कंटिन्यू काम चलता ही रहता है उसमें? हाँ, नहीं तो फिर इनको मतलब रिस्पेक्ट इज्जत कम हो गई थोड़ी सी, बहुत प्यार मोहब्बत था हमारे ज़माने में और अभी भी है, ऐसा नहीं है मगर इतना नहीं है। मैं पर्सनली जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर आपने जो फिल्में की हैं किस टाइप की फिल्में मतलब आपको अभी तक आपके करियर में मिली है? नहीं मेरे को हर टाइप की फिल्में मिली, मैथोलॉजिकल पिक्चर भी मिली, कमर्शियल भी मिली, भगवान बहुत सारी पिक्चर है, ऐसा कुछ नहीं मेरे को। मैं मिक्स मतलब मैंने ड्रेसमैन होने के बावजूद भी मैंने 7 फिल्में खुद प्रोड्यूसर की है, खुद प्रोड्यूस समझे ना। तो बहुत सारे ऐसे काम हमारे में टेक्नीशियन से कि इस मुकाम पे पहुँचते हैं, और मेरा पर्सनल मेरे रेस्टोरेंट भी है, मेरा कंस्ट्रक्शन का धंधा भी है, मगर मैंने फिल्म हमारे जो मितिया से हमारे जो दो घर है उसको छोड़ा नहीं आज तक। आपके लिए मैं लास्ट क्वेश्चन सर से करूँगा। ज़्यादातर सर आज की जनरेशन में अगर देखा जाए तो बोगस जो प्रोडक्शन हाउस है या अदर लाइक जैसे कॉम्प्रोमाइजिंग पकड़ लीजिए आप फिल्मों में काम देने के झांसे होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं चाहे किसी भी फील्ड में हो? अभी कैसे हो गया, अभी जो गवर्नमेंट के साथ में हमारे जो मीटिंग्स वगैरह चलाना है उसमें जितने भी ये मतलब जो प्रोड्यूसर है जैसे चिटिंग में मल के वो थोड़ी दिन के बाद रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हमने कैसे ब्रॉडकास्टर चैनल को ही मैंने ये किया है, हमने गवर्नमेंट को क्या बोला कि आप चैनल को दबाओ, चैनल पूरा पेमेंट देता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ही आगे देता है नए वर्करों को। तो अभी कैसा है थोड़ा टाइम लगेगा, मगर चैनल अभी पूरा प्रेशराइज करेगा प्रोड्यूसर को, भैया हमने पैसा दिया है तो उनका 3-3 महीने तक रुकाने का क्या मतलब, आप देते क्यों नहीं उनको पैसा, ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, टाइम लगेगा। मगर तो शरद जी ने बहुत योगदान दिया है अपना और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह ड्रेसमैन का काम किया है वो वाकई में एक तारीफ के काबिल है, और साथ ही एक चेयरमैन आज के
ज़माने में है वो, और करीबन 6,000 से ज़्यादा लोगों को वो मैनेज करते हैं अपने एसोसिएशन में। फिर मिलेंगे एक नए महान शख्स से, एक नए कलाकार से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, और बने रहिए फ्लाई 7 न्यूज़ के साथ।